अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने होम गार्डनिंग चैनल में छुई मुई के पौधा उगाने वाले हैं। हमने उसके कुछ बीज ले लिए हैं। देखिए, ये छुई मुई के पौधे के बीज हैं। ये देखिए, हमने इसके कुछ बीज ले लिए हैं। चलिए अब हम इसको लगाते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली जल्द से जल्द नई से नई वीडियो मिल सके। इसी तरह ये छुई मुई का पौधा है, जो कि आप छूने से बंद हो जाते हैं, जिसके पत्ते आज हम उसको बीज से ग्रो करने जा रहे हैं। ये देखिए, चलिए अब हम इसको लगा लेते हैं। हमें बीज को ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है, क्योंकि बीज बड़ा नाजुक सा है और छोटा सा भी है, तो अगर हम ज़्यादा अंदर दबा देंगे तो बीज ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको सिर्फ थोड़ी सी गहराई में लगाएंगे। छुई मुई के पौधे के फूल भी बहुत अच्छे होते हैं और पौधा भी बड़ा खूबसूरत होता है, और उसको छूने से वो फौरन बंद भी हो जाता है, जो भी और ज़्यादा उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। तो आज हम उसको इसी तरीके से ग्रो करने वाले हैं बीज से। चलिए, हमने इसमें बीज डाल दिए हैं, अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इसमें बीज लगा के पानी भी डाल दिया है अपने पौधे में। देखिए, हमने इसमें पानी भी डाल दिया है। अब इसको हम थोड़े हल्की धूप वाले एरिया में रखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज धूप में रखेंगे तो खुश्क हो जाएगा और बीज ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ी हल्की धूप में रखेंगे जब तक इसमें प्लांट्स नहीं ग्रो हो जाए। चलिए, अब हम इसको हल्की धूप में रख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे अपडेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा छुई मुई का पौधा निकल गया है। ये एक हफ्ते में निकला है, देखिए एक हफ्ते बाद। देखिए, इसमें दो दिन बाद फिर ये नई लीव भी निकल गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और बाकी ये दूसरा भी छुई मुई का पौधा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, भी छुई मुई का पौधा यहाँ पे भी निकला हुआ है। देखिए, और बाकी एक यहाँ पे भी निकल गया है, देख रहे होंगे आप। इसमें मैंने भूले से टमाटर के बीज डाल देते हैं, वो भी निकल गए हैं। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं अपने घर में ऐसे ग्रो करना छुई मुई का पौधा, तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिए। मैंने तीन बीज लगाए थे, देखिए तीनों निकल गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। देखिए कैसे फौरन से बंद हो गया है। अभी वाला भी देखते हैं, देखिए अभी फौरन से बंद हो गया। अब बाकी जो दूसरे गमले में लगाया था वो हमारा ये रहा, देखिए। और ये भी है, लेकिन ये चिड़िया खा गई। देखिए, अब इस पर आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे बंद हो रहा है। तो आप भी इसी तरीके से अपने छुई मुई का पौधा अपने घर में बआसानी ग्रो कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आपको इसको दरमियानी धूप में रखिएगा, आप इसको ज़्यादा तेज धूप में नहीं रखिएगा और हल्की धूप में भी नहीं रखिएगा। जब आप इसके सीड्स लगाएं और इसको जब उसका पानी खुश्क हो जाए, तो आप इसमें पानी डालना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगा अगर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है हमारा माशाल्लाह छुई मुई का पौधा। अब इसके जो पत्ते हैं 5 मिनट बाद खुल जाएंगे। देखिए, ऐसे 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 इसके पत्ते खुलने लग गए। तो आप भी अपने घर में इसको बआसानी इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, इसमें नया पत्ता भी यहाँ से निकलने लग गया है, अब एक और। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, एक हफ्ते बाद माशाल्लाह से हमारा छुई मुई के पौधे में इतने सारे लीव्स आ गए हैं। देखिए, एक न्यू लीव भी डेवलप हो रहा है।
और तो सारे लीव्स आ गए हैं देखिए। और जो दूसरा वाला था वो भी हम आपको दिखाते हैं, उसमें भी माशाल्लाह से बहुत सारे लीव्स आ गए हैं। ये देखिए दूसरा वाला छुरमे का पौधा है, देखिए इतना बड़ा हो चुका है, अब इसमें भी बहुत सारे लीव्स आ गए हैं। आप भी इसी तरीके से अपने घर में छुरमे का पौधा उगा सकते हैं बीज से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपका पौधा नहीं निकले तो आप घबराए गए नहीं हो सकते, कुछ दिनों के बाद निकल जाए, क्योंकि ये जो मेरा ये वाला पौधा था ये काफ़ी दिनों बाद निकला, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं था। अब देखिए 3 दिनों बाद ही निकल गया है। कुछ गमलों में जल्दी निकल जाते हैं और कुछ गमलों में देर से डिवेलप होती है, क्योंकि मिट्टी में होता है, जितनी अच्छी आपकी मिट्टी होगी उतनी जल्दी डिवेलप होगा। तो आपको जिसमें मिट्टी इस्तेमाल करनी है वो वेल ड्रेन्ड मिट्टी इस्तेमाल करनी है, ताकि आपका पौधा जल्दी से डिवेलप हो जाए और अच्छा भी घर हो। अगर आप चाहते हैं कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी आराम से घर में बनाई जाए, तो मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी दे दिया है कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी को घर में बासानी कैसे बनाया जाए, तो आप उसको ज़रूर देखिए और फिर आप उसी तरीके से बना के अपने घर में वेल ड्रेन्ड मिट्टी अपने पॉट्स में इस्तेमाल कीजिए। और फिर देखिएगा जो भी पौधा आप लगाएंगे उस पर बहुत घना होगा। देखिए हमारे छुरमे का पौधा है ना, अच्छा हो चुका है। और हमारा दूसरा पौधा तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये भी हमारा छुरमे का पौधा है और एक और निकल गया देखिए। चलिए मैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली जैसे जल्द से नई वीडियो मिल सके। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है छुरमे का पौधा, और ये इसके लीव्स भी बंद हो गए हैं जैसे मैंने हाथ लगाया। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।